आज का ये संवाददाता सम्मेलन मैंने विशेष कारण से बुलाया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों को बधाई और आभार। और हमारे साथ हैं मनीष कुमार सिंह जी। आज मैंने इसलिए इस संवाददाता सम्मेलन को बुलाया कि सातवीं बार जेल यात्रा से लौटने के बाद सातवीं बार और कहा जाता है कि आश्चर्य कुछ घटनाएं होती हैं। एक राजनैतिक दल के प्रमुख जो पंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, आज जानकारी मिली कि वो वर्चुअल सम्मेलन से जुटेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं कि कोई सैद्धांतिक मतभेद हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच, बल्कि भ्रष्टाचार का आरोप लालू जी पर लगा तो परिवार की ताजपोशी के लिए किया गया था। तो स्वाभाविक, और राष्ट्रीय जनता दल यह कहता है कि लालूवाद हमारी विचारधारा है, तो सवाल तो हम पूछेंगे, लालूवाद अगर आपकी विचारधारा है, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की वैचारिक अवधारणा के साथ नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आपने पृष्ठभूमि में डाल दिया, आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बुनियादी नीतियों को पृष्ठभूमि में डालकर कहा कि एक नई समाजवादी धारा विकसित हुआ है, वह है लालूवाद। तो 25वां स्थापना दिवस है, तो 25 दिन 25 सवाल पूछेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सवाल का जरूर जवाब देगा कि जो अगर लालूवाद विचारधारा है तो बिहार में काम करने का उनको मौका मिला। और विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि लालूवाद किसको कहते हैं, और ये अगर सच गलत है तो राष्ट्रीय जनता दल बताए, और अगर सच है तो कबूलनामा पेश करे। चूंकि माननीय तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में अपने पिता का, जिनकी आर्थिक विरासत उनके पास, राजनीतिक विरासत का दावा कर रहे हैं, उन्हीं का पोस्टर से नाम गायब कर दिया। तो अब तो पोस्टर में दे रहे हैं, तो पोस्टर से पहले नाम क्यों गायब किया, इसका जवाब दीजिए। इसलिए हम आप तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि हमने उसके विभिन्न मापदंड निर्धारित किए, विभिन्न चित्रों के माध्यम से उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया। चूंकि 25वां स्थापना दिवस है, 70वां जन्मदिन पर भी हमने उनको गिफ्ट दिया था, और आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हम, यह लालूवाद विचारधारा है तो हम तो पूछेंगे, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो विभिन्न जो आकृतियां हैं उसका मैं एक बार अवलोकन आपको करवा देना चाहता हूं कि उसको जरूर आप देखिए। डंडा नहीं ना है। 29 वर्ष की उम्र में तेजस्वी यादव 5 मकान 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बने। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि 9 वर्ष की उम्र थी तब हमारी पार्टी का गठन हुआ था, और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो कहे थे वो मोछो नहीं आया था। ठीक, इसे जानकारी, 9 वर्ष में इतना ज्ञान आपको था, अब भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित का ज्ञान नहीं था। उसके बाद लालू परिवार ने कत्याल परिवार को लूटा, करोड़ों की संपत्ति वाली कंपनी का बन गया मालिक, दान में कंपनी मकान प्रॉपर्टी कार आदि अपने नाम किया। जंगल राज का रोग फिरौती के लिए अपहरण था, बड़ा आर्थिक उद्योग, 5,243 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू राज में। तेजस्वी यादव बताइए, अगर लालूवाद विचारधारा है
तो कितने मुजरिम गिरफ्तार हुए, इस पर क्या कार्रवाई आपके शासनकाल में हुई, यह बिहार को बताना चाहिए। गड्ढा के बारे में, सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क, IRCTC घोटाला। अब हाल ही है कि विपक्ष के नेता का हाल यह है कि कोर्ट में कहा जाता है होगा कि कारित मुजरिम के पुत्र धारा 420 के आरोपी तेजस्वी यादव हाजिर हो। हाजिर है हुजूर, ये बिहार की सियासत होगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके जंगल राज बना उद्योगों का काल, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो तमाम लोग वहां से जाने लगे, पलायन करने लगे। अब बिजली के बारे में, बिजली के खंभे में लोग अपना कपड़ा पसारता था। अब चलिए पानी के लिए, जो हर घर नल जल योजना हमने काम किया, पानी के लिए लोग क्या लंबी लाइन लगा करके रखते थे। सत्ता के रसूखदारों के गैरेज में मिलती थी संदिग्ध स्थिति में युवक युवती की लाश, कार्रवाई नहीं होती थी। ये था जंगल राज, संवैधानिक अराजकता का निकृष्ट उदाहरण। तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान, महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था के प्रति लालूवाद का निकृष्टतम बयान है कि महामहिम का पैर तोड़ देंगे, इससे दुखद और क्या हो सकता है। अब चलिए पेट्रोल पंप का मालिक बन गए, चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति बन गया पेट्रोल पंप का मालिक, लालू परिवार। इसके अलावा अब देखिए चरवाहा विद्यालय, जिनको जाना था, जिन्हें जाना था विद्यालय, वो चराने लगे भैंस। चरवाहा विद्यालय, ये भैंस जो है सो हमारी ग्रामीण संस्कृति का एक अंग है, लेकिन इसका कैसा उपहास उड़ाया गया कि उनको, जो बच्चे विद्यालय जाते उनको चरवाहा बनाने की मंशा आपकी थी। इसके बाद जेल यात्रा, देखिए जेल वृतांत, 23 दिसंबर 2017 को सातवीं जेल यात्रा, पूरा तिथि बार है कि कब कब जेल यात्रा, कैसे कैसे रिम्स में रहे, एम्स गए। उसके बाद जंगल राज के भयवश पलायन को मजबूर डॉक्टर, तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास डॉक्टरों ने फरियाद करके कहा कि हम आला हमको नहीं चाहिए, हमको लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए, हम भयभीत हैं। यहां से लोग डॉक्टर लोग पलायन करके दिल्ली जाकर के मिल रहे थे, ये हाल था उस समय। ये बजाबता क्लिपिंग है, गवर्नर्स प्रिस्क्रिप्शन टू डॉक्टर्स गेट आर्म्ड, महामहिम से मिलकर के कह रहे थे। इसके बाद बिहार का राजनीतिक भूमाफिया परिवार, सब परिवार के नाम पर संपत्ति, दलित अति पिछड़ा अकलियत का नारा लगाने वाले लोगों का हाल यह था। नियुक्ति घोटाला, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में क्या क्या होता था BPSC की परीक्षाओं से लेकर के। चारा घोटाला, अब बेरोजगारी के नाम पर नौकरी की मांग, ले थे तो नौकरी के बदले जमीन ले लेना भाई, नौकरी ले लो जमीन दो, नौकरी लो। आई मैनिफेस्टो है कि कैसे इसमें होता है, यह है। अब चलिए बेल कब तक टिकेगी लकड़ी के सहारे, पार्टी अब नहीं चलेगी बुजुर्गों के सहारे। यहां पर माननीय विपक्ष के नेता, यहां पर माननीय लालू प्रसाद जी हैं और यहां पर नेता हैं उनके, कह रहे हैं कि देखिएगा हुजूर कहीं एक लोटा पानी नहीं कह दे, भयभीत है बुजुर्ग लोग पार्टी के अंदर में, और हम सब पर भी ध्यान देने की को कहिए सरकार, जिनकी एक राजनीतिक विरासत है, वैसे लोग भी नए दौर की राजनीति करने वाले की के अनुकंपा पर राजनीति को की दिशा तय करना चाहते हैं, ये इसमें प्रकट किया गया है। अब बड़ा सृजन बोलते हैं, इस सृजन का देख लीजिए, सृजन के मामले की शुरुआत हुई थी 2003 में, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, कौन गुनाहगार था। हमारी सरकार के संज्ञान में आया, किसी ने मांग नहीं किया, हमने कार्रवाई कर करके जेल की सलाखों तक पहुंचाया, तो सृजन करता तो आप माने जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी नहीं बख्शा, मैंने हाल यह था कि गरीब आदमी, उनको भी कहा कि जमीन दो, उनके माध्यम उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। नरसंहार के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, और कौन है
बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का नेता कि जो दलित है, अति पिछड़ा है, अकलियत समुदाय के लोग हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास 3.5 एकड़ जमीन केवल पटना के जलालपुर में है। ये संपत्ति कहां से आई? ये माननीय तेजस्वी यादव को आज बताना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है आपका, ये संपत्ति किस कहां से आई? ये संपत्ति आपका अगर है तो आप अपने दल के भूमिहीन कार्यकर्ताओं को सौंप दीजिए। वो गरीब लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अगर आप समाजवाद की बात करते हैं, लालूवाद की बात करते हैं, तो अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को दान करिए। और माननीय तेजस्वी यादव जी, आप हैं राजनीतिक विरासत लालूवाद के। 25वां स्थापना दिवस है, 25 सवाल तो हम पूछेंगे। क्योंकि आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, तो हम प्रतिदिन एक सवाल पूछेंगे। और हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल अपमान की भाषा नहीं, गाली गलौज की भाषा नहीं, तर्क और आंकड़े की बुनियाद पर हमारे सवालों का जवाब देगा। यह हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद, आभार। तो साथ में ग्रैंड अलायंस और सरकार भी चलाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जब ने ये चलाया और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हमारे दल के कम विधायक थे। मैं गवर्नेंस का पैमाना बताना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का। सिवान के इनके एक नेता पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून का राज है, कानून का इंजेक्शन पड़ेगा ना तो जनता वाह बोलती है, जिसको लगता है वाह बोलता है। नवादा के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थे, हमने नहीं देखा कि सरकार हमारी चली जाएगी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा IRCTC मामले का, हमने कहा पेवेलियन पकड़िए राजनीति का। हमने कोई समझौता ऐसे सवालों पर नहीं किया है। कोई साथ निश्चय में मतभेद था क्या? राष्ट्रीय जनता दल को यह कहा गया था कि आप, अरे भाई इनका तो जब बुनियाद ही पड़ा है, राजद का गठन ही हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भ्रष्टाचार का गठन हुआ तो उसको सामाजिक न्याय का लवाना उड़ना चाहते थे। गिरी हुई सरकार बोल रहे लोग क्या? गिरी हुई सरकार है आपकी? अरे वो तो मकर संक्रांति के पहले से जाप कर रहे हैं। मूल विषय वह नहीं है, मूल विषय है कि लालू जी जेल से बाहर, तो परिवार में है प्रतियोगिता, ट्वीट प्रतियोगिता, तो सब अपना अपना बढ़त हासिल करने के लिए कुछ से कुछ बयान देते हैं। अरे जो विपक्ष के नेता राघोपुर का सवाल जब सदन में होता है तो सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। जब राघोपुर के विकास की बात के लिए माननीय संजय झा जी बैठक बुलाते हैं तो दोनों भाई उस वर्चुअल बैठक में नहीं भाग लेते, उनके दल के विधायक भाग लेते हैं। तो जो क्षेत्र के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, वो पार्टी के प्रति क्या संवेदनशील होगा और समाज के प्रति क्या संवेदनशील? दो भतीजे हैं आपके, चिराग और तेजस्वी, दोनों आज मैदान में उतरेंगे, टारगेट होगी सीधा JDU। अरे हम लोग के बारे में एक बात समझ लीजिए, कोई प्यार करे या घृणा करे इनकार नहीं कर सकता, बिना हमर लगले हुए हाड़ में हरदी नहीं लगाया अभी तक। 3 महीना शुरू किए, अरे मकर संक्रांति के पहले से जाप कर रहे हैं। कौन जाप कर रहा है? मकर संक्रांति के बाद गिरेगा तो होली के बाद गिरेगा तो फलना जी के बाद गिरेगा। ये तो पास्ट टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बेचैन आत्मा की तरह राजनीति में तड़पिए नहीं। लालूवाद जो विचारधारा है उसको जितना प्रचारित प्रसारित करिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन मुकाबला जंगे मैदान में तर्क की बुनियाद पर करिए, ये हमारी अपेक्षा है।